हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन होंगे आप सभी घर पे? बढ़िया, ठीक है ना? आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं बायोलॉजी की, वो भी अच्छी चल रही होंगी, क्योंकि आपके जिस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं, आप मुझे कोऑपरेट कर रहे हो ऑनलाइन क्लासेस के लिए। मुझे बहुत उत्साह हो रहा है कि मैं मुझे बहुत सारे बच्चे लाइक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ा दो, आपका वो पीछे वाला टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया, तो मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ टाइम से मैं किसी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैं आपके साथ हर टॉपिक के साथ जुड़ने वाला हूँ, ठीक है ना? तो आप बिना टेंशन के अच्छे से पढ़िए और जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइए, जो भी टॉपिक पढ़ना है मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है ना? तो मैं आपका बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो हम आगे पढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है रिप्टालिया, ठीक है ना? पहले सबसे रिप्टालिया पढ़ने से पहले एक बार एक चीज को जान लेना है आपको कि रिप्टालिया क्या है, ठीक है ना? रिप्टेलिया किस चीज एनिमल्स, हम कौन से किंगडम में पढ़ते हैं, और रिप्टेलिया जो वर्ड है ये फाइलम में आता है, क्लास में आता है, फैमिली में आता है, ठीक है ना? आपने जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ी थी उसी के अंदर आपने वर्ड पढ़े थे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है ना, फैमिली, स्पीसीज, जीनस, जैसे वर्ड पढ़े थे ना। तो उन्हीं में से हम जब रीड करते हैं रिप्टालिया को तो ये क्लास में आता है। किसमें आता है भाई? क्लास में। लेकिन हम जब किंगडम की बात करते हैं तो ये एनिमल किंगडम में आता है। मैं थोड़ा सा पीछे से थोड़ा सा 2-3 मिनट का बताऊंगा आपको कि जो ये रिप्टालिया जो है ये किसमें आता है? क्लास में आता है। किसमें आता है भाई? क्लास में, ठीक है ना? क्लास का मतलब क्या हो गया? जो आपने पढ़ा था, क्योंकि आप जब किसी चीज को रीड करते हो तो ये चीजें आपको कॉमन चीजें होती है जो आपको समझ में नहीं आती, उस वजह से आप गलतियां कर जाते हो। तो किंगडम क्या हो गया? एनिमल क्या हो गया भाई? एनिमल्स, ठीक है ना? अब फाइलम क्या हो गया इसका? कॉर्डेटा। क्या हो गया भाई? कॉर्डेटा। और जो क्लास है वो क्या हो गया इसकी? रिप्टाइल। क्या पढ़ेंगे हम? रिप्टाइल्स। ठीक समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे हम इसको वन बाय वन, तो जो ये रिप्टाइल्स है वो किस में आता है? क्लास में रीड करते हैं भाई हम इसको। अब बात है रिप्टाइल्स क्या है, रिप्टाइल्स के बारे में स्टडी करते हैं आगे। तो मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, उसके बाद में ये कॉमन चीजें, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है यदि आप नेट का एग्जाम देते हो या बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम देते हो, उसमें बहुत सारे टर्म्स ये पूछी जाती है, ठीक है ना? तो रिप्टाइल्स को हम किस में स्टडी करते हैं? तो हेरपेटोलॉजी के अंदर इसको स्टडी करते हैं, ठीक है ना? स्टडी ऑफ रिप्टाइल्स। हेरपेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ रिप्टाइल्स, ठीक है ना? रिप्टाइल्स का जब ओरिजिन की देखते हैं कि किस एरा में, किस पीरियड में ये ओरिजिन हुए थे, बने थे, लाइफ इनकी ओरिजिनिटी थी, तो कार्बोनी फेरियस पीरियड में ये ओरिजिन हुए थे, आने स्टार्ट हुए थे। और ये कार्बोनी फेरियस पीरियड जो है किस में आता है? पैलेजोइक एरा में आता है। किस में आता है? पैलेजोइक एरा में आता है। फिर आता है जो मेजोइक एरा है, जिसको हम गोल्डन एज ऑफ रिप्टाइल्स बोलते हैं। मींस गोल्डन एज ऑफ रिप्टाइल्स मीन्स यहाँ पे हमें बहुत सारे टाइप के रिप्टाइल्स देखने को मिले थे। ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे हमें एक तरह से जो रिप्टाइल का इवोल्यूशन था सेम रिप्टाइल्स का, ठीक है ना, सेम स्पीसीज का, वो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिला था। इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन एज ऑफ रिप्टाइल्स बोलते हैं बेटा, ठीक है ना? अब बात आती है रिप्टाइल्स जो है वो किस चीज से बना है, इसका मीनिंग क्या है, हम यदि तोड़कर देखें इसको, तो रिप्टाइल्स लेटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है क्रीपर। क्रीपर मतलब होता है रेंग कर चलना। जो एनिमल्स अपने स्टमक के जो और जो सॉइल है या लैंड है उसके साथ रेंग कर चलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? क्रीपर बोलते हैं। जो बेल होती है वो पेड़ के ऊपर लिपटी होती है ना, तो यहाँ पे वो जमीन के साथ लिपट के एक तरह से साथ साथ में चलते हैं। जैसे कि आपने क्रोकोडाइल देखा होगा या लिजार्ड देखा होगा, वो अपनी बॉडी क्या है? जमीन के साथ चलते हैं, है ना, उनका जो स्टमक होता है। तो वैसे ही इसका मतलब है, लैटिन वर्ड है मीन्स क्रीपर। अब आगे बढ़ते हैं कि जब भी आप किसी चीज को रीड करते हो तो कुछ पॉइंटों का आपको याद रखना पड़ेगा, और वो पॉइंट बहुत स्मॉल है, ठीक है ना, और नॉर्मल पॉइंट्स हैं, कॉमन पॉइंट्स हैं। क्या क्या याद रखना है, क्योंकि हम किसी भी चीज को क्या है, रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं है, ठीक है ना? तो आपको कुछ पॉइंट याद रखने के, जैसे कि आपको हैबिट्स, हैबिटेट्स, है ना, तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है ना, उनको याद रखना है। बॉडी स्ट्रक्चर, तो यदि आपको ये याद है ना, तो आप नॉर्मली उस एनिमल्स के बारे में अच्छे से
बता पाओगे, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं हैबिट्स। तो हैबिट्स मतलब क्या, उसको क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे होता है ना। यदि आप खुद के बारे में बताओ कि हैबिट्स क्या है आपके, ठीक है ना, फिर हैबिटेट क्या है, ठीक है ना, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, सेम उसी से रिलेट करते हुए बताना है। यदि आपने उस एनिमल्स को देखा, ऑर्गेनिज्म को देखा है, तो यदि आपके 3-4 पॉइंट याद हैं तो आप उसको बता सकते हो, ठीक है ना। तो हैबिट क्या हो गया भाई, बॉडी स्ट्रक्चर क्या हो गई। यदि हम उसकी यदि हैबिट नहीं जानते हैं, हैबिटेट नहीं जानते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर तो हम जानते हो, क्योंकि यदि आप उसकी पिक्चर देखते हो, है ना, तो हम पहले क्या करते हैं, वन बाय स्टेप उसको जानने की पहचानने की कोशिश करते हैं, उसके बेस पे हम हैबिट और हैबिटेट लिख देंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब हैबिटेट नॉर्मली आपको पता है कि ये एनिमल्स क्या होते हैं, टेरेस्ट्राइल होते हैं। क्या होते हैं, टेरेस्ट्राइल। तो मैं लिख देता हूं एक बार, फिर बाद में इसको लिंक करते हुए लिखूंगा कि हैबिट्स कैसे होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट टेरेस्ट्राइल, क्या होता है टेरेस्ट्राइल, क्या होता है लैंड, क्या होता है भाई लैंड। फर्स्ट टेरेस्ट्राइल, ठीक ना, फर्स्ट टेरेस्ट्राइल एनिमल हुए भैया। अब वो क्यों हुए हैं, अब आपको क्योंकि यदि हम रिप्टाइल्स की बात करते हैं, तो रिप्टाइल्स कहां से ओरिजिनल है, ये हमें ये पता लगता है कि इवोल्यूशन से, कि ये एम्फीबियन से आए हैं, मींस वाटर से आए हैं। तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्राइल एनिमल्स माने जाते हैं और 100% होते भी हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर भी हैं, बट मैंने बताया ना सारे नहीं होते, कुछ होते हैं, सम आर एक्वाटिक। कुछ कैसे भाई, एक्वाटिक फॉर्म में अभी भी हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्रोकोडाइल को ले लें, वो एक्वाटिक एनिमल्स की तरह बिहेव करता है, नहीं पानी में रहते हैं ना, तो वैसे उसके हम बात करते हैं। फिर बात आती है कि ये हो गया टेरेस्टल हैबिटेट्स, जो है लैंड पे रहता है और एक्वाटिक है। तो आपको यदि अब टेरेस्टल भी बोलते तो कोई भी, ये कुछ कुछ ही हैं जो एक्वाटिक में रहते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर आपने जो इसका सबसे, इसको हमने सेपरेट किया है इस एनिमल्स को, एविस से बात करें, एम्फीबियन से बात करें, तो सबसे ज्यादा जो नजदीक है इसका, जो दूसरे क्लास की बात करें, तो एम्फीबिया और एविस आते हैं। मीन्स आप ये कह सकते हो कि जो रिप्टालिया है, रिप्टाइल्स यूं कह सकते हो, जो रिप्टाइल्स है उसे दो स्पीसीज निकली हैं, एविस और मैमल्स, ठीक है ना। और रिप्टाइल कहां से आया भाई, एम्फीबियंस कहां से आया भाई, एम्फीबियन से रिप्टाइल्स बने, रिप्टाइल से एविस और मैमल्स के अंदर कन्वर्ट। तो ये इवोल्यूशन चेन है जिसमें हम देखते हैं जो रिप्टाइल्स है वो मीडिएटर का काम कर रहा है। समझ में आ गया आपको, कुछ एविस बन गए कुछ मैमल्स, ये है एडेप्टेशन भाई। इसको क्या बोलते हैं, हम एडेप्टेशन बोलते हैं। जिन्होंने अब लैंड के ऊपर अच्छे प्रॉपरली सर्वाइव कर पा रहे थे तो वो मैमल्स में कन्वर्ट हो गए, जो अब प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पाए, उनको दूसरे जगह जाना पड़ा, तो उनके अंदर फीदर आ गए और वो इसमें कन्वर्ट हो गए। ये इवोल्यूशन के अंदर हम रीड करेंगे, ठीक है ना। ये कॉमन चीज है जो आपको थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है ना। अब बात ही इसी स्ट्रक्चर की वजह से उसके अंदर क्या है, मॉडिफाई हुआ। तो मॉडिफाई जो बॉडी स्ट्रक्चर है मेन सब जो रिप्टाइल्स के अंदर रीड करते हैं, जिसकी वजह से हम उसको दूसरे से अलग करते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो स्किन होती है, स्किन की बात करते हैं हम, स्किन क्या होती है, ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होती हुई, कैसे होती है, ड्राई और कॉर्निफाइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है, ड्राई स्किन का होना और कॉर्निफाइड। ड्राई मतलब उसकी जो स्किन होती है, एम्फीबियन में हम जब कंपेयर करते हैं तो उनकी जो स्किन होती है मॉइस्चराइज होती है, मतलब उसकी अंदर जो स्किन होती है मॉइस्चराइज होती है। वो क्या होती है कि पानी बॉडी के ऊपर ही रहे, पानी रुके नहीं। लेकिन इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, ड्राई स्किन की वजह मेन मेन काम क्या है कि उनकी जो स्किन से वाटर लॉस ना हो, वाटर को कंट्रोल करते हैं। इसी दिन की बॉडी जो है ड्राई स्किन में होती है, मींस यहाँ पे एक तरह से कहते हैं, यहाँ पे ग्लैंड जो होती है एब्सेंट होती है, लेकिन एम्फीबियन के अंदर जो स्किन होती है उसके अंदर ग्लैंड होते हैं। वहां पे वो एक तरह से हम ये कहते हैं स्वीट ग्लैंड की तरह, हमारी बॉडी के अंदर जो स्वीट ग्लैंड होती है ना भाई, जो पसीना छोड़ती है ना, हमारी बॉडी को स्किन क्या है मॉइस्चराइज करती है, ताकि वाटर वेपोरेट ना हो, ठीक है ना, ये वाटर रुके ना लंबे टाइम तक। तो वैसे ही
इनके इनके अंदर ड्राइज क्या होती है, वाटर बॉडीज ना निकले, ड्राई वाटर वेपर जो की फॉर्म में बॉडी से रिलीज ही ना हो, ठीक है ना। कॉर्निफाइड का मतलब तो क्या होता है स्किन, कि इनकी बॉडी के अंदर जो ड्राई स्किन है वो किसकी वजह से है, ठीक है ना। तो क्रिएटिन होता है भाई, क्या होता है भाई, क्रिएटिन होता है, एक तरह से प्रोटीन होता है जो उसको कॉर्निफाइड स्किन के अंदर मेंटेन रखने का काम कर रहा है, ठीक है, अब याद रखना है। फिर बात आती है इसके अंदर, आगे रीड करते हैं, जो इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो स्केली लेयर होती है, क्या होती है भाई, स्केली स्किन भी होती है, लेयर होती है, ठीक है ना। एक यदि यदि हम क्रोकोडाइल लिजार्ड इनकी स्किन की बात करें तो इनकी लेयर ऐसी होती है, ऊबर खाबर इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है कि नहीं भाई, ऐसी है ना। लेकिन जब हम स्नैक के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर स्किन कैसी होती है, समझ में आ रहा है भाई, माइंड क्लियर कि नहीं। तो इस टाइप की स्केली लेयर होती है, तो ये जो कॉर्निफाइड क्रिएटिन की वजह से जो लेयर होती है वो इरेगुलर उबड़ खाबड़ की तरह होती है और बहुत ही सख्त हो जाती है। लेकिन जो स्केली लेयर होती है उसके अंदर हम जब स्के जो स्नैक होता है उसकी जो लेयर होती है वो अलग से हमें दिखाई देती है, ठीक है ना, एक के बाद दूसरी लेयर होती है उसके ऊपर, ठीक है ना, चढ़ी हुई होती है एक तरह से। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर हो गई। फिर इसी बात हम बात करते हैं इसके अंदर लिम्ब्स की, बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर लिम्ब्स इसके अंदर टू पेयर होते हैं भाई, कॉमन बातें हैं लेकिन हमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें नहीं निकल के आएंगी। क्या होते हैं, टू पेयर लिम्ब्स होते हैं, पेयर टू पेयर लिम्ब्स होते हैं हर लिम्ब्स के अंदर। एक लिम्ब्स की बात करें, ठीक है ना, तो उसके अंदर हमें पेंटा डक्टाइल कंडीशन होती है। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 पेंटाडक्टाइल हो गए, डक्टाइल मतलब हो गए हमारे उंगलियां फिंगर डिजिट्स, ठीक है ना, और जो पेंट मतलब A1 कितने 1 2 3 4 5 5 है ना, तो ऐसे इसके अंदर पेंटाडक्टाइल फॉर्मेशन होती है। प्रत्येक में हमें जो डिजिट है उसके अंदर हमने कर्व नेल्स दिखाई देंगे, कर्व नेल्स क्या होंगे इनके अंदर, लास्ट एंड में क्या होंगे प्रत्येक डिजिट, ठीक है ना, इस डिजिट हैव कर्व नेल्स, कर्व नेल्स होंगे। अब नेल्स कर्व मतलब इस टाइप के नेल्स होंगे, ये फिंगर हो गया उसका, ठीक है ना, तो ऐसे कर्व होंगे, ठीक है। हमारे नेल्स जो बिल्कुल सीधे आते हैं उनके नेल्स क्या है, ऐसे मुड़े हुए होंगे, ठीक है ना, वो किसी भी एनिमी को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और जो उनकी फाइट होती है या भागते हैं या क्लाइंबर का काम करते हैं उनके उनकी नेल की वजह से, क्लाइंबर पेड़ पे चढ़ना, ठीक है ना, एनिमल्स को कैप्चर करना, ठीक है ना। फिर बात आती है लिम्स के बाद, लेकिन मैं जब हम ये तो हो गया, हम नॉर्मली जो लिजार्ड पर लिजार्ड है क्रोकोडाइल उनकी बात करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस की बात करता हूं जिसको हम बोलते हैं स्नैक। स्नैक स्नैक के अंदर हम यदि स्किन की बात करें तो उसमें स्केली लेयर होती है, ठीक है ना, कॉर्निफाइड ड्राई स्किन नहीं होती है, ठीक है ना। फिर बात आती है यदि हम डिजिट पेंटाडक्टाइल बात करें तो इसके अंदर लिम्ब्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना भाई, ये आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। हर किंगडम में एक या फाइलम में क्लास में कोई ना कोई एक्सेप्शनल केस हमेशा मिलेगा। यदि हम मैमल्स की बात करें तो वहां पे आपको प्लेटिपस है वो मिलेगा जो एगलिंग करते हैं, लेकिन मैमल्स में हम रीड करते हैं कि वो वीवीपर्स होते हैं, क्या होते हैं भाई, वीवीपर्स होते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। हम आगे रीड करते हैं, यदि हम बात करें, अब बात आती है कि इनकी जैसे हम करें, फिर हम बात करते हैं टीथ की, तो जो टीथ होते हैं इनके अंदर वो हमें कैसे दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो टीथ आर दो टाइप की टीथ होते हैं,
एक होता है एक्रोडोंट और दूसरे होते हैं थीकोडोंट, ठीक है ना। मींस इनकी जो नॉर्मली हम जो टीथ देखते हैं भाई एनिमल्स के अंदर, तो क्या होते हैं इस टाइप के होते हैं, ठीक है ना। मींस यहाँ पे टीथ ऊपर टिका हुआ है, अंदर नहीं है, लेकिन इनकी जो टीथ होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, ठीक है ना। एक आपको ऐसा टीथ दिखाई देगा जो ऊपर टिका हुआ होगा, ठीक है ना, और एक होता है अंदर की तरफ भी उसका ज्यादा मात्रा में जो टीथ होगा, जितना बाहर है उतना थोड़ा सा अंदर होगा, तो इसे टाइप का टीथ होगा जो उसको बहुत हार्ड बनाता है, दूसरे एनिमल से लड़ने में, उनको चबाने खाने में उनकी हेल्प करता है, ठीक है ना। मोस्टली इसके पास ऐसे होंगे, ठीक है, जो हमारे पास होते हैं, ठीक है ना, उससे भी उसके जो टीथ होते हैं वो कंपेरिजन में हम उनको देख पाते हैं। समझ में आ गया आपको, क्लियर है पक्का, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और बातें जो हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलती हैं, यदि हम ब्लड की बात करते हैं, कॉमन फीचर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। कॉमन फीचर लिख देते हैं भाई, और बाकी हम और पढ़ेंगे अब कॉमन फीचर, थोड़ा सा एक तरह से कॉमन फीचर नहीं है ये, लेकिन हम उनको सेपरेट करके रीड कर रहे हैं। यदि आप कोशिश करोगे सेपरेट करने के रीड करने की, तो हमें अच्छे से पता लगेगा, ठीक है ना। अब हैबिटेट की बात, हैबिट्स की बात कर रहे हैं, हैबिट्स में हम जब देखते हैं, तो हमने इनके टीथ की बात की, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात की, तो इससे ये पता लगता है कि जो हैबिट्स है ड्राई स्किन कहाँ पे मिलेगी। पानी के अंदर तो 100% नहीं मिलने वाली है, क्योंकि पानी में जो एनिमल्स रहेगा वो बॉडी को पानी को अब्जॉर्ब करेगी, तो ये पानी को अब्जॉर्ब ज्यादा ज्यादा करेगी, तो पानी से बचते हैं ये, ठीक है ना। लेकिन क्रोकोडाइल एक्सेप्शनल केस है, तो इसके वाला हम दूसरे एनिमल्स भी बहुत सारे, ठीक है ना, उनके एलिगेटर वगैरह हो गए, वो भी पानी में रहते हैं तो उनकी ड्राई स्किन होती है। बताऊंगा उसके बारे में जब हम मेन उस टॉपिक में आएंगे। आपका जो मेन टॉपिक है वो लिजार्ड का है, मैं पढ़ाने वाला हूँ इसके टॉपिक के बाद, कॉमन फीचर पढ़ने के बाद। फिर बात आता है कि ये जो एनिमल्स हैं इनके टीथ भी होते हैं, तो मीन्स ये क्या होंगे, कार्निवोरा ओमनिवोरा, है ना। मैं रिप्टाइल्स की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना, किसी स्पेशल स्पीसीज की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि मैमल्स की बात करें जिसमें कार्निवोरा भी होते हैं, ओमनिवोरा भी होते हैं, और हर्बिवोरा, जैसे कि हम है ओमनिवोरा जो वुमेन होती है, लेकिन काउ जो है वो क्या है, हर्बीवोरा। लेकिन जो लॉयन है वो भी मैमल्स है, काउ भी मैमल्स है और वुमेन भी मैमल्स है, लेकिन वुमेन क्या है, ओमनिवोरा। काउ क्या है, हर्बीवोरा। लॉयन क्या है, मैमल्स होने के ना मैमल्स है फिर भी कार्निवोरा। तो इसके अंदर हम टीथ वगैरह देखते हैं, उन कंडीशन पे हम देखते हैं, तो सभी रिप्टाइल्स की बात कर रहे हैं हम, तो उस कंडीशन पे हम देखते हैं ये ओमनिवोरा, कार्निवोरा और हर्बीवोरा हमें देखने को मिलते हैं। ओमनिवोरा हम बहुत सारे लिजार्ड हैं, ठीक है ना, उनमें हम देखते हैं, जैसे अब गिलहरी के देखते हैं, है ना, तो वो क्या है, हर्बीवोरा है भाई। लेकिन हम दूसरे लगभग देखते हैं लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड है या दूसरे हैं, वो क्या होते हैं, ओमनिवोरा होते हैं। लेकिन हम जब क्रोकोडाइल वगैरह देखते हैं तो क्या है, कार्निवोरा। समझ में आ रहा है आपको, तो हम इसमें देख रहे हैं, आगे देख कर रहे हैं। अब बात आती है कि जो उसके अंदर कॉमन और फीचर होते हैं उनकी हम बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन की बात। यदि हम रिप्रोडक्शन से अलग से पढ़ते हैं तो नॉर्मली हम अलग से पढ़ सकते हैं, यदि हम कॉमन फीचर के तौर पर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, फिर हम उन बात को ऐड कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम लेते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है भाई, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और इसके अंदर जो हमें मैं सीधा बता देता हूं इसके अंदर, ठीक है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, मेल फीमेल, ठीक है ना, ये क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल होगा। जैसे कि ह्यूमन होता है मेल अलग फीमेल अलग, है ना, रिप्रोडक्शन की बात होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें, ठीक है। मैं आपको बता दूं कैसे, किसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेल फीमेल होंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, बॉडी के जो मेल होगा वो स्पर्म को कहां रिलीज करेगा, फीमेल बॉडी के अंदर करेगा। और इसके अंदर हम रीड करते हैं तो इसके अंदर ये ओविपर्स होते हैं, क्या होते हैं भाई, ओविपर्स। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो क्या बनाएंगे, एग बनाएंगे, एग रिलीज करेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना, उसके अंदर वो वीवीपर्स है। कुछ स्नेक होते हैं जो क्या होते हैं भाई, वीवीपर्स होते हैं, जैसे कि एनाकोंडा, वो क्या है, वीवीपर्स है, स्नेक होते हैं ना कुछ, वो वीवीपर्स होते हैं। लेकिन लगभग जो रिप्टाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओविपर्स होते हैं। फिर बात आते हैं डेवलपमेंट की,
डेवलपमेंट होगी वो क्या होगी, डायरेक्ट होगी। इसके अंदर लार्वा वगैरह आपको नहीं दिखाई देगा, जैसे कि फ्रॉग के अंदर आपको क्या दिखता है, दिखाई देता है लार्वा बनता है फिर वो एडल्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे वो डायरेक्ट क्या बन रहा है भाई, एडल्ट बन रहा है। क्या बन रहा है भाई, क्या बन रहा है अभी, एडल्ट बन रहा है। वहां पे लार्वा जैसी कंडीशन, कैट जैसे बटरफ्लाई के अंदर कैटरपिलर लार्वा बनता है, उसके अंदर ऐसी चीजें नहीं आती। समझ में आ रहा आपको, क्लियर है पक्का? अब बात आती थी हम एग जो सेल होती है, कहते हैं ओविपर्स जो होता है, एग जो होता है वो किसका बना होता है, ठीक है ना। एग क्या है, बहुत हार्ड सेल, हार्ड सेल ठीक है ना, इस फॉर्मेशन वो रिप्रेजेंट करता है, हार्ड सेल एग स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है भाई, जो सेल जो हार्ड सेल एग स्ट्रक्चर होता है वो किसका बना होता है पूछ लिया जाता है, उसको वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, क्लियोडिक, ठीक है ना। एक सेकंड, इसके लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ, मीन्स ये कह सकते हैं आप थोड़ा सा उसको, कि जो एग होता है, जो एक तरह से हम रिप्टाइल्स की बात करें, बहुत सारे इसके अंदर ऐसे केस आते हैं कि वो एग लेइंग करने के बाद वो जो मदर होती है इसके अंदर जो एग लेइंग करती है वो छोड़कर चली जाती है, वो अपने आप ऑटोमेटिक ग्रो हो जाते हैं उसके अंदर, उनको मदर के पास रहने की या मदर उसको केयर करने की एग की जरूरत नहीं मानती अपने आप को, ठीक है ना। वो एग रिलीज किए और वहाँ पे उनको एक जगह पे सॉइल के अंदर उनको दबा दिया, छोड़ दिया और चले जाते हैं, और वो किस पे विश्वास करती है, हार्ड सेल स्ट्रक्चर होती है इस एग की, जिससे वो लंबे टाइम तक, जो इन्वायरमेंट इफेक्ट है, वाटर इफेक्ट है, या कोई कंडीशन आती है, टेम्परेचर आ गया, वो उसको जनरली क्या होते हैं, अपने आप को मेंटेन रख पाते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर है किसकी, हार्ड सेल स्ट्रक्चर होती है। अब वो कहती किसकी बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, डोइक, क्या बोलते हैं उसको, क्लिडोई एग। और ये किसका बना होता भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी लेयर है जो है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आ रहा है आपको। अब बात आती है कि जो एनिमल्स हैं, तो हमने यहां तक जो इंपॉर्टेंट बात की है, ये किससे रिलेटेड है भाई, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन में। यदि हम उससे भी एनिमल्स से रिलेट करते हैं, ये जो एनिमल्स है हमारी बॉडी से हम कंपेयर करते हैं, तो इसके अंदर एक फ्लूइड मिलता है, इसको हम तो एमनियोन बोलते हैं, तो इसके अंदर एमनियोन प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ एमनियोन। ये एमनियोन फ्लूइड होता है जहां पे बेबी क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें, एमनियोन फ्लूइड होता है, ठीक है ना, ये क्या करता है, डेवलप कराता है, तो ये एग के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इससे हम मैमल से लिंक करने में आसानी होती है। उमन तो एग लिंक नहीं करता है, लेकिन उमन के अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा है वहां पे एमनियन फ्लूइड होता है, तो इनके अंदर भी वो एमनियन फ्लूइड प्रेजेंट होता है एग के अंदर, जो कि बेबी को डेवलप करने में, न्यूट्रिशन देने में हेल्प कर रहा है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, ये किसके रिलेटेड, हमारे हम जो रीड किए हैं, ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड भाई, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है ना। डेवलपमेंट आपको याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो एडल्ट डायरेक्ट डेवलपमेंट इसके अंदर पाई जाती है। समझ में आएगा आपको। अब बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स होते हैं, ये भी लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं, तो इनके पास भी क्या होंगे, लंग्स होंगे, तो ये कॉमन बात है, इसको आपको याद रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आप क्या होना है, लंग्स बताना है। फिर डाइजेस्ट सिस्टम की बात करते हैं, वेल डेवलप एलिमेंट्री कैनाल होता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना, क्या होता है भाई, वेल डेवलप बॉडी कैनाल होता है। डेवलप एलिमेंट्री कैनल मतलब होता है माउथ होगा और एनल होगा, ठीक है ना, मींस एनस होगा, मींस एक बॉडी पार्ट से खा रहे हैं और दूसरे बॉडी पार्ट, एक पोर होगा दूसरा, उससे वो रिलीज कर रहे हैं, तो एलिमेंट्री कैनल क्या होगा, डेवलप होगा कंप्लीट, उसके अंदर ऑइसोफेगस होगा, स्टमक होगा, उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, ठीक है ना, उन चीजों का मेन ऑर्गन जो होंगे, फिर उसमें जो एंजाइम्स है उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, वो सभी इसके साथ प्रेजेंट होते हैं। फिर बात आती है जो इसके अंदर, मैंने टीथ का मैंने बताया था थोड़ा सा आपको, ठीक है ना, वो चीजें। फिर इसके अंदर जो टंग होती है वो जो हमारे बॉडी के अंदर जो टंग होती है और इनकी बॉडी की टंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोट्रूसिबल टंग, क्या बोलेंगे, प्रोट्रू
सीवल ट्रंक मीन्स इन ट्रंक्स का क्या करते हैं, इस ये टंग ऐसे इस टाइप के होते हैं, इनके अंदर रिसेप्टर लगे होते हैं और वो इन्वायरमेंट के अंदर अपने एनिमी को अपने फूड को ढूंढने में हेल्प करते हैं। क्या होते हैं, प्रोट्रूसिबल टंग बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अब ये जो टंग है इन्वायरमेंट से, आपने देखा होगा जो स्नैक होता है, कुछ लिजार्ड होते हैं अपने टंग को बार बार अपने माउथ से बाहर निकालते हैं, तो वो बाहर निकालने का मतलब क्या है कि जो इन्वायरमेंट के जो एटमोसफेयर है, इन्वायरमेंट एटमोसफेयर है उसके अंदर जो भी उनको जो ये कह सकते हैं हम उनके जो इन्वायरमेंट के जो अंदर जो अटैचमेंट करने का, ठीक है ना, और उनसे जो पार्टिकल्स उनको दिखाई दे रहे हैं उनको उनके जो वो टंग को अंदर बाहर कर रहा है उस दौरान वो आसपास के जो इन्वायरमेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जीव के टंग के थ्रू अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं, तो वहां पर एक रिसेप्टर होता है, ठीक है ना। उस रिसेप्टर को वो बिल्कुल जस्ट यहाँ पे उनके ऊपर की साइड होता है, जैसे उसको टच करता है ऊपर जाता है और ब्रेन के अंदर के मैसेज जाता है कि यहाँ पे इस टाइप का फूड, इस टाइप का एनीम यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या भाई, प्रेजेंट है। अब ये हो गया, फिर रिसेप्ट करने के बाद उस फूड की तरफ उसको फॉलो करता है और उसको एनिमी से भागना होता है तो भाग लेता है बचकर, या उसको पकड़ना होता है छोटा है तो उसको खाने में हेल्प कर रहा है। फिर बात आती है, ये हो गया टंग की बात, टीथ की मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ गया। फिर बात आती है जो रिप्टाइल्स है उसके अंदर जो ईयर होते हैं उसके अंदर एक तरह से हमारे पास होते हैं पीना, लेकिन उसके पास पीना नहीं होता है, उनके पास होता है टेम्पिनम बोलते हैं उसको, एक पोर होता है, उस पोर के थ्रू जो साउंड है वो इंटर करते हैं, उस पोर क्या बोलेंगे, टेम्पिनम टाइप ऑफ ईयर, वो टेम्पिनम टाइप का ईयर होता है, इसके अंदर पीना नहीं होते हैं, ठीक है ना। फिर आती है इनका जो ब्लड होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है, पॉइक्लोथर्मल होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड की बात करते हैं वो क्या होता है, हम वर्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, मींस हम वर्म ब्लड जो एनिमल्स होते हैं, पॉइंट सुनना, जो वर्म ब्लड एनिमल्स होते हैं जिनका गर्म खून होता है बेटा, वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, सर्दी होगी तो अपनी बॉडी को गर्म कर लेंगे, यदि बॉडी गर्म है तो उस बॉडी को ठंडा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम एक वर्ड पढ़ते हैं कि ये सर्दियों में कहीं किसी कुछ टाइम के लिए सो जाते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कुछ टाइम के लिए पानी के आसपास से पानी उस जगह चले जाते हैं जहाँ पे थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर उनकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें, ठीक है ना। तो स्नैक होते हैं उनकी बात करते हैं, एग्जाम्पल सर्दियों में वो धूप सेकने के लिए अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या है, कुछ टाइम के लिए बाहर आ जाते हैं, किसमें, धूप में आते कि नहीं, तो वो क्या है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आते हैं, समझ में आया। और जब सर्दी गर्मी होती है तो वो ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां पे उनको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उनको ठंडी जगह ढूंढते हैं ताकि वो उस जगह पे चले जाएं, ठीक है ना। तो ये है कोल्ड ब्लड एनिमल के कुछ, हम ये बात करें कुछ कोल्ड ब्लड के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हमें याद रखना है। और जो वर्म ब्लड होते हैं वो अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, मैमल्स हो गए, काउ डॉग कैट ह्यूमंस, ये क्या हो गए वर्म ब्लड हो गए, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे आगे हम पढ़ेंगे कुछ और बातें, ठीक है ना। अभी एक बार इसको देखो, मैं आगे आपको और वीडियोज भेजता हूँ इसी से रिलेटेड, ठीक है ना। यदि नहीं समझ में आता है कमेंट्स करें, कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। और यदि आपको एक और बात बता रहा हूँ, जब भी आप वीडियो देखते हो तो यहाँ पे आपको तीन डॉट दिखाई देते हैं यूट्यूब चैनल के अंदर, उस डॉट को दबाना है, वहां पे क्वालिटी ऑप्शन होगा, उस क्वालिटी ऑप्शन में जाके आपको 360 या 480 पिक्सल पर ही वीडियो को देखना है, फिर आपकी जो वीडियो है वो क्लियर दिखाई देगी और अच्छी दिखाई देगी, ठीक है ना। टेक केयर, गुड लक।